हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मेरा नाम है ज़ैन अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी बर्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम जो है ना बजीज की शिफ्टिंग करने वाले हैं, जो बेबीज़ निकले हैं, जो पट्टे हैं इसमें तैयार हुए हैं, वो हम जो है ना अपनी कॉलोनी में साथ ही देख सकते हैं। आप कॉलोनी इसमें छोड़ेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ इसमें ये हुई है कि जब मैं सुबह उठा, इनको दाना पानी कर रहा था, तो एक ये वाला जो बीवी है ना बच्चा तोतों का, इस पर जो है ना पता नहीं क्या हुआ कि मैं रात को ना इनको अच्छी तरीके से ढक के सोता हूँ। ये देखें, ज़रा कपड़ा भी मैंने ऊपर रखा है साइडों पे से, आगे से और इधर से अच्छी तरीके से करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बिल्ली ने इसको हमला कर दिया। इसका जो एक हाथ है ना वो पूरा उतार दिया, मतलब कि पूरा जो एक विंग होता है ना इसका पूरा वो उतार के अलग कर दिया। तो फ्रेंड चले, मैं आपको ना आप पकड़ के भी दिखाता हूँ, और ना इसकी वजह से ही मुझे ना बाकी जो पट्टे निकले हैं उनको अलादा करना पड़ेंगे, बिल्ली दोबारा ना हमला कर दे। और जो ब्रीडर हैं उस वो इसी में ही रहेंगे, ठीक है। उनके अच्छी तरीके से हम देखभाल करेंगे। जो भी पट्टे निकले हैं इसमें, ये देखें ज़रा, इसके बहन भाई वो सारे इसमें हम छोड़ देंगे। ये पता नहीं कब बाहर आएंगे, तो जब तक ये बाहर आएंगे तब तक ये पेड़ लगा के अपनी प्रोग्रेस हमारे सामने लाएंगे। तो चले, मैं आपको बच्चा जो है ना पकड़ के भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इसने बिल्ली ने जो है ना पूरा का पूरा इसका हाथ उतार के ले लिया, ये देखें ज़रा। और ये वाला हाथ बिल्कुल सही है, यहाँ से भी हमला किया, और ये देखें ज़रा दुम से भी इसके जख्मी हो गया, ठीक है। अभी उड़ने के काबिल तो नहीं है, ये देखें ज़रा, बहुत बुरी हालत कर दी है बिल्ली ने। इसको मैं इसकी जो है ना मैं ट्रीटमेंट अब करूँगा, इसको पायोडीन वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो चलें, तो फ्रेंड्स बच्चा मैंने आपको दिखा दिया है, और अब जो है ना हम चले हैं, जो पट्टे निकले हैं वो उनको हम कॉलोनी में छोड़ते हैं। तो चले फ्रेंड्स, इनके जो पट्टे हैं वो अलग करते हैं, ये देखें ज़रा सारे सारे। तो पकड़ने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, आपने गर्दन से पकड़ना है इस तरीके से, ये आपको काटेंगे भी नहीं, देखें ज़रा, ठीक है। तो चले इसको छोड़ते हैं हम। तो ये देखें जी, माशाल्लाह साइज़ चेक कर सकते हैं आप इसका। तो अभी ये पट्टा है, इसका रिंग भी नहीं आया, देख सकते हैं आप आपका। तो चलें इसको अपनी कॉलोनी में छोड़ते हैं। ये देखें माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं अभी आके बैठा है यहाँ पे, माशाल्लाह, ये देखें ज़रा। तो चलें आप दूसरे भी पकड़ते हैं जी। तो फ्रेंड एक हमने छोड़ दिया, तो चलें आप दूसरा भी हम पकड़ लेते हैं। तो क्योंकि ये वाला जो है ना इसका हाथ तो अब बिल्ली उतार के लेके, तो इसको तो हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, एसी में रहेगा। चलो हम बाकियों को पकड़ते हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह से कितना एक्टिव है ये देखेंगे माशाल्लाह, साइज देखें आप। चलो इसको भी छोड़ते हैं, ये छोड़ दिया जी मैंने इसमें। बड़ी कलरफुल बजी इसमें निकले हमारे घर के, ये देखते हैं माशाल्लाह से वाइल्ड कलर में निकला है ये, एक इसके साथ ये ब्लू वाला बैठा है। चलिए अब आखिरी रह गया, उसको भी हम पकड़ के इसमें छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स आखिरी रह गया ये, आप देख सकते हैं येलो कलर का बैठा हुआ है, ये सबसे पहले निकला था इसमें। तो चलना इसको भी हम पकड़ते हैं, ये देखो माशाल्लाह जी, ये फुल मतलब के तैयार है। अगर हम इसमें छोड़ेंगे तो ये पेड़ लगा देंगे, ओके व्यूअर्स। देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका साइज देखें आप, इसका रिंग आ गया है, देख सकते हैं मतलब कि पूरा तैयार हो गया। ये फीमेल है, देखें ज़रा इसकी आप चोंच, ये देखें काटने की कोशिश कर रही है लेकिन काट नहीं पा रही, माशाल्लाह बड़े ही कलरफुल बजीज निकले हैं। तो चलें इसको भी हम छोड़ देते हैं इसे, ये देखें जी माशाल्लाह से कलर देखें आप, माशाल्लाह साइज़, ये देखें जी माशाल्लाह से, यहाँ से धूप पड़ रही है माशाल्लाह किस तरीके से चमक रहा। एक ये बैठा हुआ और एक वो बैठा हुआ ब्लू कलर का, कुछ ही दिनों में इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो साथ ही इनकी जो हमने ये इधर रखा हुआ अपने इसमें अब सिर्फ दो पेयर हैं, वो भी ब्रीडर और एक वो बच्चा है वो जो ज़ख्मी हुआ है,
तो उसकी मैं कुछ ही देर में ट्रीटमेंट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आपको पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप इसी वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।